भौजाई जाने दीजिए ना। ऐसा कैसे जाने तू? सारी दुनिया के हस्बैंड्स ना लौकी तुराई टंडे लेने जाते हैं ना, तब भी अपनी बीवियों को बताकर जाते हैं, लेकिन नहीं, एक शिवाय है मेरी देवरानी को लेने चले गए और मुझे बताया तक नहीं। इस बात से तो यही प्रूव होता है ना कि शिवाय को मुझ पे कोई ट्रस्ट ही नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। आई थिंक बड़े भैया आपको परेशान नहीं करना चाहते थे ना, इसलिए। प्लीज भव्या, अरे पत्नियों को तो पूरा हक होता है अपने पति के लिए परेशान होना। शिवाय को मुझे बताकर जाना चाहिए था। अरे बताकर क्या, मुझे साथ में लेकर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये हस्बैंड्स को ना अपनी बीवी को साथ में ले जाने के नाम से ना इतनी मिचमिची मचते हैं, तो मैं क्या बताऊं। भौजाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, जो हो गया सो हो गया। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी चिड़ैया आपकी घोंसले में वापस आ गई है। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ये खुश है आप? खुश है तो ये गुस्सा क्यों नाक पे बिठा के रखा है? भूल जाइए ना सब। नहीं मैं खुश हूँ। खबरदार। कौन बोला? कौन बोला? अपने पति पे आया गुस्सा थूकने से पहले एक बार सोच लीजिए। पति का आपको साथ ले जाने में इंटरेस्ट नहीं, इसका मतलब आप दोनों के बीच ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट नहीं। देख, मैरिज को सक्सेसफुल अनहैप्पी बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जैसे कि मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। अच्छा जी, तो प्लीज हमें भी बताओ क्या पता है आपको। अभी बता देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ बेटी तो सुनो, हैप्पी मैरिड लाइफ कैसे करते हैं? हैप्पी मैरिड लाइफ क्या? मुझे क्या पता, मेरी शादी थोड़ी हुई है। इसीलिए जब कुछ पता ना हो तो मुंह बंद कर लेना चाहिए, बड़े इसलिए करते हैं। ठीक है बड़े लोगों, अपनी बीवी के लिए कस्टर्ड बनाओ जो बनाए। शादी करना आसान है, पेरेंट्स से लेकर इंटरनेट तक कोई भी शादी करा सकता है, लेकिन शादी निभाना उई माँ। ट्रस्ट का सीमेंट ना हो तो शादी की दीवार टूटते देर नहीं लगती, इसीलिए अपने डाउट्स को कीजिए रेस्ट और लीजिए ट्रस्ट टेस्ट। ट्रस्ट टेस्ट? जी हाँ, ट्रस्ट टेस्ट। और आज मैं यानी कि आपकी अपनी चतुर चंचल चाची आपके लिए उन्हीं टेस्ट के कुछ सैंपल्स लेकर आई हूँ, ये देखिए। क्या बात है, तो देखा आपने कैसे हस्बैंड ने अपने वाइफ को गिरने से बचा लिया, यानी कि वाइफ अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट कर सकती है। कर सकती है, कर सकती है। वैसे कितना खिड़की तोड़ आइडिया है ना ये ट्रस्ट टेस्ट। हमें क्या जरूरत है टेस्ट लेने की, आपके और बड़े भैया के बीच में तो इतना ट्रस्ट है, और अब तो ओंकारा जी भी हम पे विश्वास करने लगे। पर रोटी का ना हमें डाउट है, वो तो किसी और ही मिट्टी का बना है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रूढ़ी भैया कहाँ से आए बीच में? रूढ़ी? अरे हमारे कहने का मतलब था कि शिवाय भैया और ओमकारा भैया का तो टेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मुझे जरूरत है, है कि नहीं? क्या मुझे जरूरत है? मतलब कि आप दोनों टेस्ट लेने वाले हैं ना? क्या ना, एक टेस्ट ही तो है गौरी। अरे पर भौजाई जरूरत का है, सब तो सही चल रहा है। नहीं लेकिन फिर भी मुझे तो ये टेस्ट करना है, मुझे देखना है कि मेरे और शिवाय के बीच में कितना ट्रस्ट है। यू नो व्हाट, आई थिंक अनिका भाभी सही कह रही है, रूटीन चेक्स आर इम्पोर्टेंट। अरे किसी भी बात को मान लेने से पहले इंसान को पक्का प्रूफ ले लेना चाहिए। देखा देखा, मैं जा रही हूँ। अरे उसका पुलिस वाला दिमाग है, आप मत जाओ। तुम चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ शिवाय का ट्रस्ट टेस्ट लेने। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भौजाई अब देखते हैं शिवाय चतुर चंचल चाची के बताए टेस्ट में पास होते हैं या नहीं। अनिक, जैसे शिवाय अंदर आएंगे ना मैं गिर जाऊंगी, देखती हूँ मुझे थामते हैं कि नहीं। इसे क्या हो गया, ऐसे अंदर घुस गए? लगता है अभी तक मुझे नाराज है। कोई नहीं है, मेरा कैरामल कस्टम मेरे साथ है।
अनिका तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अभी मेरा डिजर्ट गिर जाता है यार। मतलब हद है, यहाँ पे मैं गिरी पड़ी हुई हूँ और आपको अपने डिजर्ट की पड़ी हुई, कैसे हैं आप? गिरी कैसे मैं? जैसे हर कोई इंसान करता है वैसे गिरी मैं, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं गिरूं, उठूं, मरूं, जीऊं, जो भी करूं, जो रहने दीजिए। मेरा पैर। ओके। तुम ठीक हो? ये पैर नहीं है। ओके। ओके। तुम ठीक हो? अरे हाँ, एकदम मजे में हूँ मैं, मस्त हूँ एकदम। चोट लगी है मुझे, कैसे होगा सब ठीक? अच्छा मुझे बताओ, तुम क्या कर रही थी बाहर? जैसे मुझे देखा अंदर आ गई और जैसे मैं अंदर आया मेरे ऊपर गिर गई। क्या चल रहा है ये? वो मैं एक टेस्ट ले रही थी आपका, जिसमें आप फेल हो गए बुरी तरह। टेस्ट? कैसा टेस्ट? ट्रस्ट टेस्ट। क्योंकि अगर दोस्ती प्यार छोड़ो, वो सब छोड़ दो, लेकिन अगर शादी की गाड़ी में ट्रस्ट नाम का अगर पेट्रोल ना हो ना, तो ऐसी खड़ी रह जाती है और पंचर हो जाती है गाड़ी, और पंचर खड़ी रह जाती है। समझ। अगर हमने ट्रस्ट होता ना, तो आप मुझे थाम लेते और ऐसे गिरने नहीं देते। आराम से कीजिए। एक सेकंड, यू मीन हमारे बीच ट्रस्ट नहीं है? नहीं है, तभी तो आप मुझे बरेली नहीं लेके गए। चलो आप मुझे नहीं भी लेके गए तो आप मुझे बता देते ना। लेकिन नहीं, कैसे? मैं अनिका को अगर अपने प्लान के बारे में बताऊंगा तो मेरे प्लान की तो चौकसी हो जाएगी। टाटा प्लीज। क्या बात, समझने की कोशिश करो। वो इमरजेंसी की सिचुएशन थी, और अगर मैं तुम्हें कन्विंस करने या समझाने बैठता ना, तो फिर आ जाती गौरी यहाँ। और जो मैंने किया उसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता। मैंने कहा मैं तुम पे ना अपनी जान से ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, खुद की जान से ज्यादा। अच्छा मुझे बताओ कि ये सब तुमने किसके कहने पर सोचा? या वो चतुर चंचल चाची के? तुम्हारी एक और चाची आ गई है? नहीं, कोई चाची नहीं आई है। वो टीवी पे ना एक शो आता है, उसकी जो होस्ट है उसका नाम है। एक सेकंड, टीवी के किसी होस्ट के कहने पर तुमने मुझ पर अपने पति पर टेस्ट किया? अरे मैं तो शिवाय, अरे आराम से, मैं गिर जाऊंगी। वरी आने का, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। ओके, ट्रस्ट मी। इन स्टूपिड सी बातों से कुछ प्रूव नहीं होता। जिस चीज की वजह से हम जिंदगी में सारी मुश्किलात को पार करके यहाँ तक आए हैं, यही है आने का ट्रस्ट, हमारे बीच का ट्रस्ट।